वेलकम यू ऑल इन द बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लासेस. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 11 सोशल इम्पैक्ट्स. द फर्स्ट पॉइंट इज अ डिजिटल फुटप्रिंट. द डिजिटल फुटप्रिंट्स आर द रिकॉर्ड एंड ट्रेसेस इंडिविजुअल एक्टिविटीज एज द यूज द इंटरनेट. डिजिटल फुटप्रिंट्स आर परमानेंटली स्टोर्ड. इट मीन्स डिजिटल फुटप्रिंट क्या है, ऐसे रिकॉर्ड है जिनसे किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी इंडिविजुअल की एक्टिविटी को क्या किया जा सकता है, ट्रेस किया जा सकता है. योर इंटरेक्शन ऑन सोशल मीडिया, क्या क्या हो सकता है डिजिटल फुटप्रिंट के अंदर, लाइक सोशल मीडिया पे आप क्या करते हैं, योर फ्रेंड सर्कल ऑन सोशल मीडिया साइट यू विजिट, कौन सी साइट आपने देखी है, ऑनलाइन परचेज क्या क्या आपने परचेज किया है, लोकेशन विजिटेड थ्रू फेसबुक चेक इन्स, आपकी लोकेशन है वो भी आइडेंटिफाई की जा सकती है, क्या क्या आपने देखा है फेसबुक के थ्रू. ऑल मेक योर डिजिटल फुटप्रिंट्स, ये सारे क्या आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं. देन मैनेजिंग डिजिटल फुटप्रिंट्स. टू मैनेज योर डिजिटल फुटप्रिंट्स यू कैन फॉलो द गाइडलाइंस गिवन बिलो. क्या क्या गाइडलाइन है जिनको फॉलो करके आप अपने जो डिजिटल फुटप्रिंट है उनको मैनेज कर सकते हो. इसमें फर्स्ट आता है वो आता है नो व्हाट योर डिजिटल फुटप्रिंट. इट मींस कि आपके फुटप्रिंट्स क्या है ये आप जाने. लुक एट ऑल द सोशल नेटवर्किंग साइट एंड फॉर्म्स दैट यू बिलोंग टू एंड सर्च योर नेम टू नो द व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट यू अवेलेबल. कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन आपकी अवेलेबल है वो आप देखें. कौन कौन सी आप जो नेटवर्किंग साइट है उस पर आप काम करते हैं, अदर कोई भी फॉर्म्स हो सकती है जहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ पे ये देखें कि आपकी इंफॉर्मेशन है वो किस टाइप की है. नेक्स्ट इज ई बिहेव रिस्पॉन्सिबली. कि आपका जो बिहेवियर है इंटरनेट के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. अपन कह सकते हैं यू शुड बी स्मार्ट एंड सेंसिबल एनफ टू नो विच साइट यू आर विजिटिंग, विच ईमेल यू आर सेंडिंग और व्हाट लिंक यू ओपन. कि आप ऐसा कोई भी जो ब्राउजिंग ना करें जो इररिलेवेंट हो या जो इलीगल हो. नेक्स्ट इज कीप योर डिजिटल फुटप्रिंट क्लीन. कि जब भी आप कोई भी सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्किंग साइट यूज करते हैं तो इट मीन्स आप जो भी डिजिटल फुटप्रिंट है उनको क्लीन करते रहें. कोई भी अपन कह सकते हैं कि रिमूव एनी फोटोज कंटेंट लिंक दैट मे बी इनअप्रोप्रिएट, या फिर अपन कह सकते हैं रिमूव एनी डिटेल्स अबाउट यू, रिवील टू मच इन्फॉर्मेशन लाइक योर फोन नंबर, स्कूल कॉलेज नेम एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ योर इन्फॉर्मेशन. जितने भी नेटवर्किंग साइट है वो आपके जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसकी विजिबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे आपके रूल्स हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं. उनको फॉलो करें कि कौन कौन इंडिविजुअल आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो देख सकता है. इसमें आपको कोई फ्रेंड सर्किल हो सकता है जो भी, तो आप उसको कंट्रोल करके रखें. नेक्स्ट इज अलाउ कमेंट मॉडरेशन. इट मीन्स जो कमेंट है जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट को यूज करते हैं वहाँ पर क्या क्या कमेंट आते हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं, ये भी आप देखें. नेक्स्ट आता है थिंक बिफोर यू पोस्ट. जब भी आपको पोस्ट करो उससे पहले आप ये देखें कि आपने क्या पोस्ट कर रहे हैं, इसमें कोई इररिलेवेंट कंटेंट तो नहीं है, तो ये भी आप यहाँ पे देखें. तो अपन कह सकते हैं कि डिजिटल फुटप्रिंट में अपन को क्या इम्पोर्टेंट बात है, ये है कि व्हाट यू आर शेयर ऑनलाइन, आप क्या शेयर कर रहे हैं ऑनलाइन, व्हाट यू, या अपन कह सकते हैं कि व्हाट होम यू शेयर, किसके साथ आप शेयर कर रहे हैं. उसके अलावा आप ये देखें कि कौन किसी साइट को अपन ने विजिट किया है, या अपन कौन से ईमेल को अपन ओपन करना है, कौन से लिंक पे अपन को क्लिक करना है. तो ये सारे किस में आते हैं, अपने फुटप्रिंट को मैनेज करने के लिए कुछ एक जो रूल्स है या गाइडलाइन है. नेक्स्ट इज नेट एंड कम्युनिकेशन इटिकिटीज. यहाँ पे एक वर्ड आता है नेटिकिटी. नेटिकिटी मीन्स नेटवर्क इटिक्यूटी. द वर्ड नेटिकिटी डिराइव्स फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड नेट, इट मीन्स इंटरनेट, एंड इटिक्यूटी. इटिक्यूटी रेफर्स द ऑनलाइन मैनर्स वाइल यू आर यूजिंग इंटरनेट.
और वर्किंग ऑनलाइन। इट मीन्स कि यहाँ पे अपन बात करें नेटिगिटी की, तो नेटिगिटी दो वर्ड से मिलकर बनता है, नेटवर्क और इटिगिटी। यहाँ पे नेटवर्क का मतलब यहाँ पे इंटरनेट हो सकता है, या आप ऑनलाइन जब भी कहीं काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आपको कौन से मैनर में रहना चाहिए, आपका बिहेवियर क्या हो, उसे कौन रेफर करता है, नेटवर्क इटिगिटी, जिसे अपन कहते हैं नेटिगिटी। इट मीन्स नेटिगिटी रेफर्स द बिहेवियर और मैनर ऑन द इंटरनेट और वाइल यू आर वर्किंग ऑनलाइन। यहाँ पे जो नेटिगिटी है वो आपको ये बताती है कि जब भी आप ऑनलाइन होते हैं तो आप किस प्रकार से बिहेव करें, क्या आपके मैनर्स होने चाहिए। वाइल ऑनलाइन यू शुड बी कर्टियस, ट्रूथफुल एंड रेस्पेक्टफुल फॉर अदर। हमेशा क्या करें, हमेशा विनम्र रहें, ट्रूथफुल रहें और रेस्पेक्ट करें सब लोगों की। देन नेक्स्ट इज फॉलोइंग अलायंस लिस्ट बेसिक रूल ऑफ नेटिगिटी। जो नेटिगिटी के बेसिक रूल्स क्या है उसके बारे में अपन बात करेंगे। देन जिसमें आता है रिफ्रेन योर पर्सनल अब्यूज, हमेशा पर्सनल अब्यूज है उससे बचते रहें। कोई भी अगर अपन कहीं भी डिसएग्री होते हैं, या कोई भी अपन चैटिंग करते हैं, या कोई भी अपन डिस्कशन करते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपका जो भी आप यहाँ पे लॉजिक करें वो आपके क्या हो, रोबस्ट हो। कभी भी अपन किसी को थ्रेटन ना करें, कोई वायलेंस है वो पैदा ना करें। नेक्स्ट इज नेवर स्पैम, डोंट रिपीटेडली पोस्ट द सेम एडवर्टाइजमेंट फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेज। कोई भी स्पैम है वो क्रिएट ना करें जिससे लोग क्या हो, परेशान हो। नेक्स्ट इज राइट क्लियर एंड कंसाइसली। इट मीन्स कि जो आपके हमेशा आप जो भी कमेंट करें, जो भी डिस्कशन करें, वो हमेशा क्लियर करें, संक्षेप में करें, शॉर्ट में करें। नेक्स्ट इज ऑलवेज पोस्ट करेक्ट कंटेंट इन रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज, कि हमेशा जो भी आप पोस्ट करें, जिसे आप जो भी पोस्ट करें जिसे सब लोग देख रहे हैं, आपके कोई सिबलिंग हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, उसको हमेशा रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज में करें। नेक्स्ट इज इन अ डिस्कशन फॉर्म स्टिक टू द टॉपिक। जब भी अपन किसी डिस्कशन फॉर्म में होते हैं, फॉर्म पर होते हैं और अपन कोई डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो हमेशा क्या करें, टॉपिक से रिगार्डिंग ही बात करें। इट मीन्स टॉपिक से आप भटके ना। नेक्स्ट इज नेवर एक्सेप्ट अदर पीपल टू डू योर होमवर्क फॉर यू। कभी भी किसी से उम्मीद ना करें कि जो आपके लिए कोई होमवर्क करे, आपके पक्ष में या बात करें। इट मीन्स जो भी आप काम कर रहे हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग उसको अच्छे बिहेव में करें, अच्छे मैनर में करें। नेक्स्ट डू नॉट पोस्ट कॉपीराइट मटेरियल टू विच यू डू नॉट ऑन द राइट्स। इट मीन्स कि कभी भी ऐसे जो पोस्ट ना करें, या ऐसी कोई पोस्ट ना बनाएं जिस पे कॉपीराइट इशू होता हो। इट मीन्स अपन कह सकते हैं कि अगर किसी की भी कोई जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको आप बिना किसी अगले की इंफॉर्मेशन के, अगले की परमिशन के आप उसे पोस्ट ना करें। अपन कह सकते हैं कि आस्क परमिशन फॉर द कॉपीराइट होल्डर, किसी भी कॉपीराइट होल्डर से उसकी परमिशन ले, या फिर अपन कह सकते हैं इनक्लोज द कॉपीराइट इंफॉर्मेशन दैट यू आर यूजिंग एंड साइटेड सोर्स। जब भी अपन कोई भी कॉपीराइट इंफॉर्मेशन यहाँ पे पोस्ट करते हैं तो उसका जो भी सोर्स है वो जरूर उसमें डालें। तो ये अपना नेटवर्क इटिकेटी।